चलो लास्ट वेगस पहुंच गए हैं हम। कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ यही समझ आ रहा है खाने के लिए, वो भी मैं सोचूं खाऊं या नहीं। होटल से बाहर भी नहीं निकले और देखो गैम्बलिंग चालू हो गई इन लोगों की। सिक्योरिटी वाला बहुत स्ट्रिक्ट है, बोलता है यहाँ से एंट्री अलाउड ही नहीं है। गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है क्योंकि अभी बजे हैं 3:30 एक्चुअली, और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट में इस फेक सुजुकी गाड़ी में, मतलब सॉरी फेक टोयोटा में। ये गाड़ी में इतनी बू क्यों आ रही है? चलो प्लेन आ गया, हमारा वाला ये नहीं है, हमारा दूसरा है उस साइड में। लंदन पहुंच गया, ये भाई अपने आप सफाई कर रहा है ऑटोमेटिक वाला, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे इसको छेड़वाड़ रहे हैं। अरे करने दो ना, इसको सफाई कर ले, चल घूम ले, कर ले अच्छे से, गुड जॉब। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, 3-4 degrees टेम्परेचर मुँह में से वो जो होता है ना हवा निकलती, वो भी निकल रही है, क्या बोलूँ मैं अब। किसके लिए लिखा है? खाली के लिए। क्या व्यू है यहाँ से देखो, लाउंज में प्लेन वहाँ पे लैंड हो रहा है और सब प्लेन्स खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लाउंज की ये है कि आप यहाँ पे स्कैन करो और आपको एक मेन्यू मिलेगा, फिर आप ऑर्डर करो या आपको यहाँ पे आकर डिलीवर करते हैं, आपको जाकर उठाने की जरूरत नहीं। उठाने वाला भी खाना है लेकिन इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। मस्त जगह बैठने की, नींद इतनी आ रही क्या बताऊँ। यहाँ पे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन सो भी नहीं पा रहा। कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है देखो, वाओ। ये वाला प्लेन है ना एयर इंडिया से लाख गुना बेटर है, सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, प्राइवेसी भी है, 1-to-1 सीटिंग है, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे जूस वूस पड़े, जितना पीना पी लो, बट कैंट चीज़ है अभी बंद करनी पड़ेगी। एयरो ब्रिज यहाँ पे लगा हुआ है और ये खुलता है, यहाँ पे बटन दबा दो, खुल जा भाई खुल जा। काफ़ी सॉर्टेड है यार, क्योंकि अभी लंबी फ्लाइट है, ऑलमोस्ट लगभग 10 घंटे की फ्लाइट है। ये स्क्रीन अच्छा टिल्ट होती है, 10 घंटे की फ्लाइट है, मतलब मैं तो बहुत नींद में, मैं अभी सो जाऊँ। आपको पता है ये फ्लाइट डिले है, आधे घंटे लेट निकली, पर बोलता है मैं आपको आधे घंटे शेड्यूल टाइम अराइवल से पहले पहुंचा दूंगा, मतलब कितना ये लोग फेक गैप रखते हैं। ये बिस्तर थोड़ा वियर्ड है, क्यों पता है? यहाँ पे बीच में कनेक्शन नहीं है तो आपके पैर हवा में लटकेंगे। सबसे अच्छी बात ये, मैं अभी 6 घंटे से यहाँ, 6 hours, मजा आ गया। चलो लास वेगस पहुंच गए हैं हम, बहुत लंबी फ्लाइट थी यार, अटक गए। ये गाड़ी छोटी तो बिल्कुल भी नहीं, लेंथ देखो भाई की लेंथ, फॉक्सवैगन। ये फॉक्सवैगन एटलस में, ये देखो लोगों कैसे जला हुआ है इसका, बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी। ये आएगी ना इंडिया में, बता रहा हूँ, खा जाएगी काफी सारी कार्स को। जी वैगन दिख गई, जी वैगन बॉस, ये हमेशा हर जगह पहुंच जाती है, मस्त लगती है, एकदम आइकॉनिक गाड़ियाँ। और ये देखो, ये तो वैन वर्जन है, इसमें पानी मांग रहा है बंदा। ये एक्चुअली डिनर है और मेन्यू उस पर लिखा हुआ है आईपैड पे, वी मतलब वेज, जीएफ मतलब ग्लूटेन फ्री, टेक वेक वगैरह सब कुछ है। और डिनर बंद हो रहा है 5 मिनट में, ये लोग बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, 9 बजे बंद कर देते हैं। आदमी खाएगा कब समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ यही समझ आ रहा है खाने के लिए, वो भी मैं सोचूं खाऊं या नहीं। चलो फाइनली पहुंच गया होटल, काफी ठंड हो रही है, 36 फ्लोर पे हम, 36 फ्लोर पे, और इतना बड़ा होटल है ना, आधी जगह तो मैं घूम ही गया। ये है हमारा रूम, पहले मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, ये है वॉशरूम, बट इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पॉट वाला सीन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका एक अलग कमरा है, प्राइवेसी तो अलग ही है यहाँ पे। ये उल्टा कैसे चलते हैं, ये अंदर घुसने पे चालू होता है, नहीं ये सब उल्टा है इनके स्विचेस, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये रूम से कुछ व्यू नहीं दिख रहा स्पीकर का, मैं सोचा कि दिखेगा बट नहीं दिख रहा, बहुत बड़ा टीवी है। और यहाँ पे फॉक्सवैगन ने लेटर लिखा, मैं फॉक्सवैगन के साथ आया हूँ CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, होपफुली दिन में बेटर व्यू दिखे, बिकॉज रात में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्शन वगैरह कैसे है। एनीवेज दिन का टाइम हो गया है इंडिया में, लेकिन ये संडे नाइट है फिलहाल, मंडे मॉर्निंग है, मतलब बहुत काम होता है इंडिया के हिसाब से, लेकिन इंडिया टाइम के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हम जाके सो जाएंगे, ऑल्दो मैं फ्लाइट में काफी टाइम सो चुका हूँ। The next day. Good morning. क्या व्यू है स्ट्रिप का यार, लेकिन कांच थोड़ी गंदी है, वॉट अ व्यू, वाओ क्या लग रहा है, माउंटेन देखो, सेक्सी लग रहा है। चलो ब्रेकफास्ट के लिए हम लेट हैं, एज ऑलवेज, भागो भागो भागो। हेलो
फॉक्सवैगन वालों के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट। वही यूएस वाली प्रॉब्लम, नाश्ते में कुछ नहीं खाने लायक। होटल से बाहर भी नहीं निकले और देखो गैम्बलिंग चालू हो गई इन लोगों की। मैंने एक्चुअली रजिस्टर ही नहीं किया सीईएस का, इतना बेवकूफ हूँ, कल रात को रजिस्टर किया, अभी इन लोगों ने प्रूफ देख के मेरे को दे दिया। ये सिक्योरिटी वाला बहुत स्ट्रिक्ट है, बोलता है यहाँ से एंट्री अलाउड ही नहीं है। और जो यहाँ पे बंदा था ना, दूसरा बंदा, उसके पास बैग था इसलिए उसको अलाउड नहीं किया। मेरे पास बैग वैग है नहीं क्योंकि अपन तो आवारा है, अपन को बोलता है तू जा सकता है, तेरा तो बैग चेक नहीं करना, वरना तेरे को मेन एंट्री से जाके बैग चेक करवा के फिर एंट्री करनी पड़ेगी। सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह ऐसे होता है, बंदे पे बंदा। और यहाँ पे इतने बंदे बंदों पे हैं कि गाड़ी नहीं बिक रही। तो ये है ID7, इसमें वो आया है अभी चैट GPT AI आ गया है, लेकिन मेरा दिल तो ऑब्वियसली इस गाड़ी पे आया है। हट जाओ भाई, लोग हट जाओ, तेरा जगह तो दो प्लीज, लेट मी वॉक अवे फ्रॉम ऑल दिस। ये 50 ईयर्स ऑफ गोल्फ इसमें भी आ गया, गोल्फ GTI में। बंदे के जूते मस्त है। तूने पिंक पहना है तो तू गे है। ये गाड़ी एक्चुअली गोल्फ का अपडेट है, मतलब फेसलिफ्ट वाला मॉडल, इसलिए कैमोफ्लेज लगा दिया इन लोगों ने हर जगह ताकि लोगों को पता ना चले, लेकिन इंटीरियर खुला है इसका। इतने दूर आए हैं तो खेल ही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें पैसे डालने पड़ते हैं और हम हैं चिंदी, हम एक रुपए ना डालें क्योंकि गैम्बलिंग सबसे, मतलब ये वर्ड नहीं डालना बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, इसको ब्लर करो, इसको स्पीक करो। ये शॉप में देखो, ये लोग तो गो कार्ड भी बेच रहे हैं, क्या बात है। और वो देखो, ओ माय गुडनेस, स्केल मॉडल्स नेक्स्ट लेवल। ये देखो इन लोगों ने क्या लिखा है, अगर आपने यहाँ से कुछ माल चुराया है तो हम आपको बिल कर देंगे। सही बात है, वो बोस का स्पीकर इतना महंगा तो नहीं जितना इन लोग ने चार्ज लगा के रखा है। $300, मतलब ये 21,000 का तो नहीं है यार, 21 नहीं 24 यार, बहुत डिवैल्यूअर है रूपी। ये माइकल जैक्सन थिएटर है, यहाँ पे बहुत सही शो होता है, ट्राई करो आज रात को जा पाऊंगा या नहीं पता नहीं, बट आई वांट टू। चलो पूरा खाली हो गया, अब आराम से शूट करेंगे, गुड आइडिया ना, वेटिंग ऑलवेज हेल्प्स। ये देखो चैट GPT, ये बता रहा है गाड़ी कैसे चलाते हैं। ब्रेक टू स्लो डाउन और स्टॉप व्हेन नेसेसरी। थैंक्स ब्रो। ये एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है और आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी चार्ज 8,000 है लंच का, 8,000 रुपए। इसमें क्या मिलता है आपको, ये सब मिलता है, मतलब लूट मचा के रखी, लूट। अभी तो सिर्फ 5 बजे और लाइट पूरी गुल, मैं 4:30 गुल हो जाती क्योंकि इंडिया टाइम के हिसाब से मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गया था दोपहर को। ये गाड़ी ना शायद सेल्फ ड्राइव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते, आयोनिक 5 ड्राइवरलेस व्हीकल, लेकिन ड्राइवर नजर क्यों बैठा है इसमें बताओ। जेनेसिस ही जेनेसिस दिख रही है यहाँ पे। ये बहुत दिख रही है ड्राइवरलेस कार्स, स्पीयर एयरक्राफ्ट। इधर ही आसपास फॉर्मूला 1 रेस हुई थी जहाँ से स्पीयर दिखता था, ये रहा स्पीयर, अपने आप को हमेशा चेंज करता रहता है। जब प्लेन्स आते हैं ना तो ऐसे ब्लिंक करके बोलते हैं प्लेन्स को, देख मैं देख रहा हूँ तेरे को। क्या ही लाजवाब चीज़ है यार, कितना महंगा बना है, ऐसा गोला ना हमें इंडिया में भी चाहिए। इतना ही ऊपर लेके जाने के लोग, पागलपन है पागलपन। एक 1,000 लोग तो लगे हैं इसको बनाने में। तो टिकट था लगभग कितने का पता है, अरे ये कितना बड़ा हो गया, हाँ लगभग 8,500 का, और इसमें 19,000 लोग फिट हो सकते हैं, लेकिन शो काफ़ी फालतू था। इंडियन खाना इतना महंगा, क्या ही सेंस है, इसलिए लोग यहाँ पे नहीं खा रहे क्योंकि इंडियन खाना इतना महंगा नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं बकती है, आप अपने हाई हील्स को रोल कर सकते हो ताकि आपको पेन ना हो, यहाँ पे साइज डिसाइड करो और वो लगा दो, मतलब क्या सेंस है। अमेरिका कुछ भी बनाते रहते हो और आप टॉयलेट भी जा रहे हो ना तो बोलेंगे कि कुछ पी लो प्लीज़। यहाँ पे देखो वेनिस बना के बैठे हुए हैं, अरे ऐसे लग रहा है दिन है जबकि पूरी रात वाला सीन है यहाँ पे, चाहिए यार क्या बकचोदी चलती है। ये रही फेमस लास वेगास ट्रिप, सामने यहाँ पे फॉर्मूला 1 हुआ था, ये लोग ने ये पूरा पानी वानी निकाल के ना यहाँ पे ग्रैंड स्टैंड बना देता है, बताओ अलग लेवल, डिवाइडर विवाइडर भी निकाल देते सोचो। और होंडा क्या लेकर आया, ये देखो, और ये लेकर आया है होंडा, कितना भी टैंक टन बैंक टन मार ले, ये गाड़ी नहीं बिकने वाली जितना अभी वाली जी वैगन बिकती है। यूएसए ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी गन वन भी लेके जा सकते हो।